नमस्कार मित्रों, जोहार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड में पीजीटी की बहाली शुरू हो चुकी है और बहुत सारे विषय का अभी तक एग्ज़ाम कंप्लीट भी हो गया है। अर्थशास्त्र का एग्ज़ाम जो है 8 तारीख और 9 तारीख को होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। हम लोग वेस्टी अर्थशास्त्र से 50 क्वेश्चन को पहले देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जब दो वस्तुओं के बीच मांग आड़ी मूल्य लोच शून्य होती है तो वस्तुएं। देखिए, मांग आड़ी लोच क्या होता है कि जब एक वस्तु में मूल्य के परिवर्तन का प्रभाव जो है अन्य वस्तु के मांग मात्रा पर पड़ता है, उसको हम लोग आड़ी मूल्य लोच कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो उससे कार की मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा या बाइक के मांग पर कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, उसी को आड़ी लोच कहा जाता है। इसको मूर अर्थशास्त्री ने दिया था। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो वस्तुओं के बीच मांग आड़ी मूल्य लोच शून्य होती है तो वस्तुएं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्र होती है, तो पहला का बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्रों में कौन से समानता यू आकार के होते। तो हम लोग सभी जानते हैं कि यू आकार का कोण होता है। तो यहाँ पर आपका कूट क्या है दिया हुआ है, औसत लागत वक्र, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र, औसत स्थिर लागत वक्र। तो यहाँ कूट का प्रयोग है कि 1 तथा 3, मतलब 1 और 3 सही है। यहाँ 1, 3 तथा 4 सही है। यहाँ है 1, 2 और 3 सही है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो सही है, मतलब औसत लागत भी यू आकार का होता है, औसत परिवर्तनशील लागत जो होता है वो भी यू आकार का होता है, और सीमांत लागत भी यू आकार जैसा होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फर्म का औसत लागत वक्र होगा। तो फर्म का औसत लागत वक्र जो होता है आयतित अति परवलय होता है। तो तीसरा का आपका डी हो जाएगा। चौथा है, बाजार के स्थिर संतुलन हेतु मांग वक्र का ढाल। तो जो मांग वक्र का ढाल होता है वो जो होता है पूर्ति वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए, तभी तो बाजार संतुलन होगा। जहां मांग और पूर्ति बाजार में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, वहीं पर संतुलन का निर्धारण होता है। इसलिए इसका ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। पांचवा है, सीमांत उपयोगिता के विचार को विकसित किया। तो सीमांत उपयोगिता को जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। तो यहाँ पर आपका अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा, पांचवा का डी। छठा है, परिवर्तनीय साधन का औसत उत्पाद अधिकतम होता है। तो अधिकतम उत्पाद जो होता है वो वहाँ होता है जहाँ मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा कुल उत्पादन को स्पर्श करे। तो छठा का आपका सी हो जाएगा। सातवां है, गिफिन वस्तु के निम्न में से कौन से कथन सत्य है। उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से दीजिए। तो यहाँ पर आपको है प्रतिस्थापन प्रभाव का चिन्ह ऋणात्मक होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव चिन्ह धनात्मक होता है, आय प्रभाव का चिन्ह ऋणात्मक होता है, आय प्रभाव का चिन्ह धनात्मक होता है। अब आपको कूट देख लेना है, 2 और 3, मतलब ये 2 और 3 सही है, या 1 या 3, या 2 और 4, या 1 और 4 होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 और 4, मतलब ये 1 और ये 4 हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। आठवां है, साधनों के न्यूनतम लागत वाले संयोग रखने वाले फर्म को कहा जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं अनुकूलतम फर्म। तो आठवां का बी हो जाएगा। नौवां है, जब औसत आगम वक्र पर मांग की लोच इकाई होती है तो सीमांत आगम का मान होता है। तो सीमांत आगम का मान क्या होता है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, MR बराबर 0। दसवां नंबर क्वेश्चन है, यदि औसत आगम के लिए A लिखा जाए, सीमांत आगम के लिए M लिखा जाए और E मांग की लोच हो तो निम्न में कौन सा समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर जो सही समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, एम बराबर ए ई माइनस 1/E। 11 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए आरेख में फर्म का अल्पकालीन संतुलन प्रदर्शित है। तो यहाँ पर ये चित्र को देख लेना है, ये फर्म का ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का चित्र है और ये अल्पकालीन संतुलन को बता रहा है।
तो आपको है कि उत्पादन का पूर्ति वक्र किस रेखा खंड द्वारा प्रदर्शित होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है ई ए सी एम ई ए सी या फिर ई एम सी या फिर ई क्यू, यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम ई माइनस एम सी, ये हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु के संदर्भ में सरल बाजार संतुलन मॉडल का अवलोकन करें जिसमें क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर है मांग कीमत तथा आय पर निर्भर करती है, पूर्ति कीमत पर निर्भर करती है, मांग पूर्ति बाजार संतुलन हेतु शर्त है, तब निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपको कथन बताना है कौन सत्य है। तो यहाँ पर है बाजार संतुलन की एक से अधिक स्थितियाँ होती है, ये आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिक्री कर का कर भार, तो बिक्री कर का जो कर भार होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच वस्तु की मांग लोच और पूर्ति लोच के अनुपात में बट जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, लाभ अधिकतम होगा जब कुल आगम वक्र का ढाल, तो कुल आगम वक्र का ढाल क्या हो जाएगा? तो कुल लागत वक्र के ढाल के बराबर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध एकाधिकार में निहित है कि इसके उत्पादन की मांग की आड़ी लोच हो, तो उसकी मांग की आड़ी लोच क्या हो? शून्य हो। 15 का सी। 16 है, स्थिर लागतें वे लागतें होती है, तो वे लागतें होती है जो, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जिनका उत्पादन वृद्धि से संबंध नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र, तो एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र क्या होता है? तो शुद्ध तीस स्पर्धा वाली फर्म के मांग वक्र से कम लोचदार होती है, तो 17 का आपका डी हो जाएगा। 18 है, उत्पादन निशेषण प्रमेय उपलक्षित करता है, तो ये क्या करता है? तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल को, 18 का ए हो जाएगा। 19 है, केवल एक विशिष्ट उपयोग में आने वाले उत्पादन के साधन की अवसर लागत, यहाँ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, तो 19 का आपका डी हो जाएगा। अवसर लागत को आप लोग बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका प्रश्न आएगा ही आएगा, तो इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 20 है, यदि उत्पादन के दो साधन पुनः प्रतिस्थापनीय हो तो प्रतिस्थापन लोच होगी, तो प्रतिस्थापन लोच क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। 20 का आपका ए हो जाएगा। 21 है, व्यष्टि आर्थिक अध्ययन करता है कि एक स्वतंत्र स्वोद्यमी अर्थव्यवस्था किस प्रकार निर्धारित करता है, तो ये निर्धारित करता वस्तु के मूल, सेवाओं के मूल, आर्थिक साधनों के मूल, उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। 22 है, बर्गर्सन मापदंड संबंधित है, तो ये आपका संबंधित किससे है? तो ये आपका संबंधित है ए से, कल्याण अर्थशास्त्र से, कल्याण अर्थशास्त्र से। 23 नंबर क्वेश्चन है, ऊंची मजदूरी पर श्रम का पूर्ति वक्र कभी कभी पीछे की ओर मुड़ सकता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका सही नहीं है, यह विचार काल्पनिक तथा वास्तविक से परे है, या केवल अल्पकाल में ही सत्य होता है, इसका अर्थ यह है कि ऊंची मजदूरी दर पर आय प्रभाव ऋणात्मक हो जाता है, या इसका अर्थ है कि ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थान पर प्रभाव से अधिक हो जाता है, तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, तो इसका डी हो जाएगा। 24 है, एफ एच नाइट की अनिश्चितता की अवधारणा के संबंध में निम्न कथन सही नहीं है, तो निम्न कथन कौन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो 24 का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें सभी प्रकार की जोखिम आती है, इसमें केवल वे जोखिम जिनका सांख्यिकीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसमें केवल ऐसी जोखिमें आती है जो प्रवैगिक दशाओं में ही उत्पन्न होती है, या अवधारणा सामान्य लाभ पर लागू नहीं होता, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 25 है, यदि मांग फलन पी क्यू बराबर 60 दिया हुआ है, तो जहाँ P कीमत को तथा Q मात्रा को दर्शाता है, तो कीमत P बराबर 6 पर मांग की लोच होगी, तो मांग की जो लोच होगी वो हो जाएगा 1। 1 कॉब डगलस उत्पादन फलन के घातांक मापक है, तो यहाँ पर इसका मापक है आगम गहनता का, आगतों की उत्पादन लोच का, उत्पादन के साधनों का, उत्पादन में स्नान का, तीनों है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा।
फिर है योग परमय संतुष्ट होती है। योग परमय जो आपका है वो हो जाएगा केवल रैखिक तथा समांग उत्पादन फलों द्वारा। 28 है कपटपूर्ण अल्पाधिकार में क्या होता है तो केवल अनकहे समझौते किए जाते हैं। 28 का ए हो जाएगा। 29 है समानता मांग की रेखा, तो समानता मांग की रेखा क्या होती है तो बाएं से दाहिने नीचे गिरती है, तो 29 का बी हो जाएगा। 30 है एंजिल का नियम निम्न में से किसकी व्याख्या करता है तो ये करता है आपका मांग की धनात्मक आय लोच की। 31 है आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों की व्याख्या के लिए लागत अंतर्विधि अनुपाल निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में किसने किया है तो ये किया है आपका अस्लुटस्की ने किया है, तो ये आपका बी हो जाएगा अस्लुटस्की। 32 है पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दर्शाता है, तो ये अंतर दर्शाता है कौन एआर औसत आय दर्शाता है, 32 का ए हो जाएगा। 33 है अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है या विचार किसने व्यक्त किया है तो ये सिद्धांत जो है वो आपका किन्स ने व्यक्त किया है, तो 33 का सी हो जाएगा। 34 है आपका निम्न में कौन विंकुचित मांग वक्र परिकल्पना का प्रतिपादक है तो इसको स्वीजी ने किया था प्रतिपादन, तो 34 का आपका सी हो जाएगा। एकाधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण ऐसे विक्रेताओं को अधिक संख्या का होना है तो यहाँ पर आपका 35 का जो होगा बी हो जाएगा, स्वतंत्र व्यवहार करते हैं तथा असमांग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। 36 है तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है क्योंकि, तो क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की आय निश्चित और स्थिर होती है, उपभोक्ता एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु उपभोग कर सकता है, उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की कुछ इकाइयां अवश्य उपभोग करना चाहता है, वह वस्तु जिसका परिणाम उपभोक्ता भाव बढ़ रहा अपेक्षा कम महत्वपूर्ण होती जाती है, तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जैसे जैसे वो किसी वस्तु का उपभोग करता है उसकी उपयोगिता क्या होती है उसके लिए कम होती जाती है। फिर है तटस्थता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था तो ये आपका किया था जे आर हिक्स ने उदासीन, तटस्थता वक्र को ही हम लोग उदासीन वक्र भी कहते हैं, अधिमान वक्र भी कहते हैं, तो इनको जे आर हिक्स ने दिया था अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में। फिर है रिज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है तो क्या होती है शून्य होती है, तो 38 का हो जाएगा सी। 39 है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में फर्म अनुकूलतम आकार की होगी जब, तो जब क्या होगी तो यहाँ हो जाएगा ए आर बराबर ए सी बराबर एम सी बराबर एम आर हो जाएगी। 40 है औसत स्थिर लागत वक्र की लोच, तो उसकी लोच क्या होती है तो यहाँ हो जाएगा आपका ए ऑप्शन प्रत्येक बिंदु पर इकाई के बराबर होती है। 41 है किसी सरल रेखा मांग वक्र के दोनों अक्षों को काटता है कि मध्य बिंदु पर मांग की लोच का मान होगा, तो यहाँ मध्य बिंदु पर मांग की लोच हमेशा क्या होता है इकाई के बराबर होता है, और इसके अगर हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का बीचों बीच में मांग की लोच क्या होगी नीचे आने पर मान घटता है तो इकाई से कम हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी तो यहाँ पर घटते घटते इकाई का मांग की लोच का मान यहाँ पर शून्य हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ का बीचों बीच में मांग की लोच इकाई से अधिक होगी और यहाँ पर अक्ष पर मांग की लोच अनंत होगी। इससे क्वेश्चन आता है इसलिए इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। तो यहाँ जो आपका 41 का हो जाएगा क्या होता है मध्य बिंदु पर पूछ रहा है तो मध्य बिंदु पर क्या होता है एक होता है तो वन हो जाएगा, यह इकाई भी लिखा रह सकता है। फिर है पूर्ति की लोच का भी प्राय निम्नलिखित कारण से पूर्ति में परिवर्तन से होता है तो क्या होता है वस्तु की कीमत, तो 42 का ए हो जाएगा। फिर है आपका अपूर्ण प्रतियोगिता को दुधारी तलवार किसने कहा है तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा है, 43 का आपका डी हो जाएगा। 44 है पूर्ण प्रतियोगिता श्रम बाजार की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो यहाँ पर 44 का हो जाएगा डी, मजदूरी दर श्रम के सीमांत उत्पादन कीमत बराबर होती है। 45 है दो स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच होगी तो क्या होगी अनंत होगी, 45 का डी हो जाएगा। कॉब्वे परमय निम्न अवस्था की व्याख्या कर सकती है तो किसकी व्याख्या कर सकती है
तो स्थिर, अस्थिर और तटस्थ तीनों की कर सकती है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त तीनों अवस्थाएं। 47 है आपका, साधारण मांग फलन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसके सत्य है या आय एवं कीमतों के प्रति शून्य कोटि के समांग फलन होते हैं, या आय एवं कीमतों के में एक कोरी के समांग फलन होते हैं, या आय के प्रति एक कोटि और कीमतों के प्रति शून्य कोटि समांग फलन होते हैं, या आय के प्रति शून्य कोटि और कीमतों के प्रति एक कोटि। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, 47 का डी हो जाएगा। 48 है, खाद्यान्नों का मांग वक्र समानता होती है। तो यहाँ खाद्यान्नों का जो मांग वक्र होती है वो क्या होती है? बेलोचदार होती है। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन से अधिक होता है। तो 39 का आपका हो जाएगा बी। सूची एक लेखन को सूची दो विचार से सुमेलित कीजिए तथा उनके नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप देखिए, डेविड रिकार्डो, अल्फ्रेड मार्शल, जे एम किन्स है, जे बी से है, तो स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, किसने कहा था? तो यहाँ हमको एक दो को अगर मिल गया तो सही हो जाएगा। तो डी का आपका हो जाएगा पहला। तो अब यहाँ देखना है कूट में कि डी का पहला कहाँ बता रहा है, तो यहाँ है आपका डी और पहला बता रहा है आपका यहाँ बी ऑप्शन। तो एक ही से यहाँ पकड़ में आ गया कि जे बी से क्या होता है। तो जे बी से का कहना था स्वयं अपनी मांग, मतलब पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, ये पूरा कथन है। तो यहाँ पर आपका डी में पहला यहाँ दिख रहा है, इसलिए तुरंत इसको बी को ही टिक लगा देना है, समय को बचा लेना है। तो आपका 50 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, जल्दी ही आप लोग PGT शिक्षक बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।